नामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है सिविल सर्विसेज एग्जाम का, उसके ऊपर डिटेल में एक तरह से पूरी तरह जानकारी दी जाएगी। दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक तरह से सेवा कर सकें। और हमारे चैनल के ऊपर लगभग 1600-1700 साथियों का परिवार बन चुका है। सभी साथी अगर एक दो दिन के अंतर्गत एक एक साथी को भी जोड़े तो हम बहुत अच्छा और एक बड़ा परिवार बना सकते हैं। दोस्तों चलिए अब इस वीडियो का आप आनंद लीजिए ताकि आपको फॉर्म से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे, और अगर इसके बाद भी अगर कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप मुझे सीधा पूछ सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से सीधा ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया है। इसमें आज हम ये जानते हैं कि UPSC के द्वारा जो कल वैकेंसी जारी कर दी गई है IAS और IPS बनाने वाले सिविल सर्विसेज की, और उसके साथ ही एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स उसके साथ ही होता है, उसकी भी वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि अगर उसका अगर डिटेल से अलग से वीडियो बनाना है तो मैं बना दूंगा। आज हम एक तरह से IAS वाली IPS और सिविल सर्विसेज की जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी डेटेज क्या क्या है। दोस्तों हम क्या देखते हैं डेट, तो दोस्तों ये 4 तारीख को जारी हुई है, तो एक तरह से ये 4 को स्टार्ट फॉर्म हो चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट डेट है वो है 24 मार्च 2021। क्या है तारीख? 24 मार्च 2021 शाम को 6 बजे तक। तो दोस्तों ये आपको डेट एक तरह से पूरी तरह से याद करनी है कि आप 24 से पहले पहले फॉर्म भर लीजिए। कई बार क्या होती है वेबसाइट बिजी हो जाती है लास्ट में, इसलिए आपको सबसे पहले तो फॉर्म है वो जल्दी से भर लेना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो बाद में, और अगर कोई फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो दोबारा फॉर्म भी आप भर सकते हो। तो इसलिए फॉर्म को आज या कल या जब आपको टाइम मिले तब फॉर्म आप स्पष्ट रूप से जल्दी से भर लीजिए। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या क्या है। कैंडिडेट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जाम। तो योग्यता के अंतर्गत 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एज वाली और दूसरी होती है शैक्षणिक रूप से। एज के अंतर्गत जनरल के लिए जो एज है वो मतलब 21 से लगाकर एक तरह से 32 साल के बीच में होने चाहिए। 21 साल है वो आपको 1 अगस्त 2021 को आपके 21 साल पूर्ण होने चाहिए, उसके बाद 32 साल तक के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें जो कैटेगरीज हैं जैसे OBC हैं तो OBC को 3 साल की छूट होती है, 35 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। SC ST जो के साथी हैं उनके लिए 37 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हो गई एज की बात। अब हम एजुकेशनल की बात करें तो इसमें आपको केवल और केवल किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपकी डिग्री पूर्ण होनी चाहिए, वही इसमें है। और लेकिन इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और उसके बाद मेंस के लिए हमारे को डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है जिसे DF कहते हैं, वो भरते समय तक अगर आपके पास डिग्री आ जाती है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यानी इसका मतलब हुआ कि फाइनल ईयर के अंतर्गत आप अगर हो तो भी आप फॉर्म को भर सकते हो। अब हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई। इसके अंतर्गत जो वेबसाइट है UPSC Online NICIN, यहाँ पर जाकर आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। इसमें एक चीज़ उन्होंने एक बताई है कि आप चाहे तो अभी फॉर्म जैसे कहीं होता है कि फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद लगता है कि तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो आप फॉर्म को विड्रॉ भी कर सकते हो। उसके बाद में फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हो ताकि UPSC में ये होता है कहीं 10-12 लाख लगभग फॉर्म भरे जाते हैं तो एग्ज़ाम है वो लगभग 4 लाख से 4.5 लाख ही दे पाते हैं। तो UPSC को व्यवस्था कितनी की करनी पड़ती है, वो एक तरह से 10 लाख की करनी पड़ती है। तो UPSC चाहती है कि उसका थोड़ा समय बचे, उसकी व्यवस्था कम करनी पड़े, तो वो जो विड्रॉ कर भी कर सकते हैं। लास्ट डेट की जो बात थी वो हमने एक तरह से देख ली थी कि क्या है 24 मार्च शाम 6 बजे तक। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये उन्होंने बताया कि मैंने पिछला जो हमने हमारे चैनल के ऊपर पूरे वीडियो डाल दिए हैं कि UPSC के अंदर किस प्रकार से प्रीलिम्स में आपको सेलेक्ट होना है, किस तरह से उसका परीक्षा नेचर होता है और मेरे 134 नंबर किस प्रकार से आए थे, हमने उस पर डिटेल से चर्चा कर ली थी। तो वो वीडियो आप देखें तो उसमें ये बताया गया है कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स 1/3 आपका रॉन्ग आंसर निकलता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है प्रीलिम्स। उसके बाद कहा गया कि फैसिलिटी काउंटर फॉर गाइडेंस एंड कैंडिडेट्स, गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स, तो इसमें नंबर दिए गए हैं, ये नंबर आप देख सकते हो। यहाँ पर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो।
सेंटर के ऊपर किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन बैन रहेगा, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद जो ये आपको पता होगा, कहीं लोग जानते हैं कि सिविल सर्विस के अंदर सिर्फ IAS बनाते हैं, तो दोस्तों इसके अंतर्गत एक तरह से 19 सर्विसेज एक तरह से शामिल होती है। नंबर ऑफ पोस्टेज की बात करें तो दोस्तों इस बार पोस्टें बहुत ही कम कर दी गई है, बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने को एक चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग 712 पोस्टें टोटल है, जिसमें से 22 पोस्टें वो हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए रिजर्व है। तो एक तरह से 712 पोस्टें ये हो गई है इस बार, तो लगभग पिछले एक तरह से 8-10 साल से सबसे कम है। तो ये मेन चीज़ हो गई है इसके अंतर्गत, और हम अब डिटेल में कुछ चीज़ें देखेंगे क्या क्या हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो वैकेंसी की बात हो गई 712 थी, और फॉरम डेट की बात हो गई है 4 मार्च से लगाकर 24 मार्च के बीच में। दूसरी चीज़ जो फी है, तो फीस का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो हमारे जनरल के साथी और OBC के साथी है उनके लिए तो कितनी रहेगी, 100 रुपये। उसके बाद जो SC ST और विमेंस और दिव्यांग, उनके लिए पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी फॉर्म भर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरते टाइम कुछ विशिष्ट सावधानियां, ये मैं कुछ कहूँगा विशिष्ट सावधानियां जो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो सावधानियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा है, कई बार दिक्कत हो चुकी है लोगों के साथ इसमें। पहली चीज़, पहला तो आपका सेंटर, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सेंटर चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए सेंटर को आप आसानी से भरें, पूरा सोच समझकर भरें कि आपको सेंटर कौन सा लेना है, आपके जो घर के नज़दीक हो वही लेना चाहिए। प्रीलिम्स का सेंटर आप लिस्ट देख सकते हो, ये प्रीलिम्स की लिस्ट है, और मेंस का ऐसे सेंटर है, उसमें से आप अपना चूज कर लीजिए। सेंटर पहले आओ पहले पाओ जैसी स्थिति है। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो, दिल्ली आपको सेंटर लेना है, तो 3-4 दिन के अंदर अंदर आप भर लीजिए, वरना आपको सेंटर नहीं मिल सकता। ऐसा हो सकता है फिर आपको गुड़गांव गाजियाबाद आसपास जगह लेना पड़ता है। तो ये सेंटर की बात हो गई। दूसरी चीज़ हो गई माध्यम, क्या है माध्यम, ठीक है। माध्यम आप चयन बाद में नहीं कर पाओगे, तो अभी फॉर्म भरते टाइम आप परीक्षा का जो माध्यम है वो आप अच्छे से भरें। प्रीलिम्स के अंतर्गत ध्यान रखें, हमें एक आपको ये भरना है। मेंस में आप ऑप्शनल और GS इसमें अलग अलग माध्यम से दे सकते हो, तो आपके अकॉर्डिंग अपना देख लेना। इंटरव्यू का माध्यम है वो भी अपना चूज कर सकते हो, ये आपको भरते टाइम ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर इस बार बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप नया बना लें या फिर पुराना है तो भी चलेगा, तो इसको आप अच्छे से बनाएं, क्योंकि इसके अंतर्गत आज इस बार कई बार गड़बड़ हुई है। दूसरी चीज़, एक बार क्या होता है कि जो फोटो है वो आप अच्छे से जो लगाएं, क्योंकि फ़ोटो इसमें जो भी होगी वो फ़ोटो लास्ट तक वही रहेगी आपकी, ठीक है, ये लास्ट तक फ़ोटो वही रहेगी, जो आपके इंटरव्यू कॉल होगा तब आपका भी यही रहेगा। तो फ़ोटो आप अच्छे से चूज करें कि आपको फ़ोटो कौन सा एक तरह से रखना है। तो इस दूसरी चीज़, अगर आपका फॉर्म के अंदर कुछ करेक्शन हो जाता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा फॉर्म भर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो परीक्षा की डेट है वो पहले से, UPSC का सबसे बेहतरीन चीज़ यही होती है कि आपका पहले से तय होता है, तो वो परीक्षा तारीख है वो 27 जून है, क्या है, 27 जून है वो परीक्षा की डेट है। काफ़ी कम समय बचा है, और आसानी से आप रिवाइज करते रहिए, और हमारे चैनल पर आपको हम इस तरह से कई वीडियो आए हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, और प्रीलिम्स में किस प्रकार से मैक्सिमम मार्क्स लाए जा सकते हैं वो भी बताया गया है। कई सेलेक्टेड साथियों के कुछ दिनों में वीडियो आ जाएंगे, उसके से आप जानकारी ले पाएंगे। मेंस का इस बार पेपर है वो 17 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, तो वो भी बीच में काफ़ी कम समय रहेगा। दूसरी चीज़, अब हम देख लेते हैं जो एडमिट कार्ड है वो जून के 1st या 2nd वीक के अंदर आपके आ जाएंगे। योग्यता की हमने बात कर ली थी, फॉर्म विड्रॉ भी आप कर सकते हो, अगर आपको देना है या नहीं देना, तो अभी फॉर्म तो आप पूरी तरह से भर लीजिए। तो ये चीज़ हो गई। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप पूछ सकते हो, और मैं वहाँ पर पूरी तरह से जवाब दूंगा। कोई भी किसी भी प्रकार की जो भी समस्या होगी उसका हम निराकरण आपके लिए हमेशा के लिए करते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि गांव में लोगों को पता तक नहीं होता कि आखिरकार किस प्रकार से सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसके फॉर्म कब आते हैं, और फॉर्म जैसे हमारे जो साथी हैं जैसे SC ST उनके लिए किसी प्रकार के कोई अटैम्प्ट नहीं है, तो वो कहीं एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ये भारत का सबसे टफेस्ट और सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम है, इसमें सबसे बेहतरीन जॉब लगती है, तो आप फॉर्म भर लें आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।